मतलब मेरा विस्तार और जो मैं हूँ मतलब इन रियलिटी। तो एक तो भगवान ने अपना विस्तार कर रखा है, तो विस्तार जो है वो भगवान ने माया से कर रखा है। माया से कर रखा है मतलब लीला, लीला का अर्थ है आनंद के लिए। और एक है उनका रियलिटी, रियलिटी यानी असली स्वरूप। तो भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति द्वारा अगर हमारा प्रेम होगा, भक्ति 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 उसको आप समझाइए ना, तो महाराज जी ने समझाया भक्ति यानी प्रेम। अगर हमारा ठाकुर जी से प्रेम होगा, है ना, तुलसीदास जी ने कहा है कामी नारी प्यारी जिन, कामी को जैसे नारी का जो प्रेम है, दिन रात उसका चिंतन, कामी व्यक्ति को है ना, दिन रात उसका चिंतन, कामी नारी प्रियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। और लोभी को जैसे धन के प्रति प्रेम होता है, ये दो दृष्टांत देके तुलसीदास जी ने वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा प्रेम मुझे आपसे हो जाए। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तीनों त्यों भगवान निरंतर ही प्रिय लागो मोहिरा। हे प्रभु आप वैसे ही मुझे, यानी मेरा चित्त कहीं और जाए ही नहीं। तो भक्ति द्वारा भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारा ऐसा प्रेम होगा ठाकुर जी के प्रति, बिहारी जी के प्रति, है ना, साई के प्रति, महाराज जी के प्रति, तो क्या होगा कि वो जो उनका रूप ठाकुर जी का, कौन सा, विस्तार वाला, माया वाला, वो भी हम जान लेंगे। और जो वो रियलिटी में है, क्योंकि माया वाला रूप तो बदलते रहते हैं, है ना, तो इसलिए माया वाला रूप में ज़्यादा वो भक्त को नहीं फंसाते, संसारी लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने माया का रूप धारण कर रखा है। और भक्तों को तो वो अपने पास ही बुलाते हैं, इसीलिए छठी श्रेणी में महर्षि बताएंगे आज ही के पृष्ठ में। पर उसके पूर्व जो है वो भले माया का रूप है, पर उसमें भी हमको ठाकुर जी का ही दर्शन होगा, इसलिए कह रहे हैं कि वो भी मेरा ही रूप है। जितना वास्तव में जितना एवं जो मैं हूँ, तो जो मैं हूँ ये तो बहुत आगे की कक्षा है, पर अभी जितना मैं हूँ, तो जितना मैं हूँ का मतलब मैं भक्त और भगवान जो हैं जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखिएगा कैसे कैसे श्रेणियों में समझाएंगे महाराज श्री कि कैसे पहले दर्शन देते हैं, दर्शन दिया पर कुछ मांगने को नहीं कहा, है ना, वरदान मांगने को नहीं कहा, वरदान मांगने को तो कहा पर, है ना, वरदान दे भी दिया पर ये नहीं कहा कि तुम मेरे हो, है ना, तुम मेरे हो कह दिया पर मैं तुम्हारा हूँ ये नहीं कहा, ऐसे करके महाराज श्री समझाएंगे। तो ये सब चलेगा इसी में, द्वैत में। और जो मैं हूँ ये तो उनका स्वरूप जो है वो तो वेदांत ही बताता है, इसलिए वेदांत में ये बात बार बार आई है कि भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होकर और फिर जो है उनका असली स्वरूप, तो वो उनकी कृपा से तो दोनों ही उसको प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में बता रहे हैं उस भक्ति से मुझे यथावत जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है। कौन, भक्त, तो प्रविष्ट हो जाता का अर्थ क्या है कि अब उसे संसार में फिर से जन्म का, जन्म मरण का चक्र अब उसका समाप्त हो जाता है। अब इसी की व्याख्या में हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने यहाँ बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, यानी इस श्लोक में महर्षि कह रहे हैं कि एकदम स्पष्ट स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से कह दिया, ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं वे, भक्तिया माम अभिजानाति, मुझसे परिचय भक्ति के द्वारा होता है। यानी परिचय सीधे वेदांत की क्लास में कठोपनिषद या वेदांत सार में, कठोपनिषद तो हमारी है गूढ़ार्थ दीपिका गीता की क्लास अथवा वेदांत सार, उस क्लास में सीधे बैठने से काम नहीं चलेगा। उसके पहले कहाँ बैठे, उसके पहले बैठना हो तो हमारे अनिरुद्ध जी सुना रहे हैं कथा, है ना, 9:30 से 10 बहुत सुंदर कथा चल रही है यहाँ शिव जी के मंदिर में। तो भक्तिया माम भी जाना थे, मुझसे परिचय भक्ति के द्वारा होता है। पहले अंतःकरण शुद्ध हो ना, तब
तब तो फिर ये बहुत काम आ जाएगा वेदांत। देख लेने मात्र से परिचय नहीं होता, परिचय होता है सेवा से। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि सेवा एवा ना करनी पड़े, स्वामी जी सीधा ही हमको बता दे कि क्या है रियलिटी, तो ऐसा होता नहीं है ना। सेवा करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। प्रतिदिन सुषुप्ति में आत्मा अकर्ता अभुक्ता रहता है। इस पैराग्राफ में महर्षि समझाएंगे कि ये महर्षि ने क्यों कहा कि सेवा से ही होगा, क्योंकि भाई 24 घंटे में गाढ़ सुषुप्ति में हम लोग प्रतिदिन वो जो हमारा आत्मा है उससे हम एक रहते हैं। एक रहते हैं मतलब संसार वहाँ नहीं है सुषुप्ति में। सबको प्रतिदिन कई घंटे यह अवस्था प्राप्त होती है। कई घंटे मतलब कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, है ना, बाकी जो ठीक से सोने वाले हैं वो 6 घंटा कम से कम नींद करनी चाहिए। उसमें जो स्वप्न का समय है वो छोड़ दो, पर सुषुप्ति जो है गाढ़ सुषुप्ति, वहाँ पर कर्ता भोक्ता जो मतलब इस समय मैं अपने को देख रहा हूँ कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारा कर्ता भोक्ता का रूप है, वो वहाँ सुषुप्ति में नहीं रहता। किंतु क्या इससे ब्रह्म ज्ञान होता है? वो जो सुषुप्ति में हम कर्ता भोक्ता नहीं रहते, है ना, इतना ही नहीं, अगला वाक्य देखिएगा ध्यान से, सुषुप्ति में सुखी बना दुखी बना, कर्ता भोक्ता बना तो पहले भी कर दिया, सब छूट जाता है। चलो दुखी सुखी बना भी छूट गया, कर्ता भोक्ता बना भी छूट गया, पर संबंध स्वामी जी सब संबंध भी सब अभिमान लीन हो जाते हैं। सब अभिमान मतलब हमारा मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये सब अभिमान है, ये सब अभिमान लीन हो जाते हैं, मतलब सुषुप्ति में नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ, यहाँ तक कि चोर आके चोरी करके ले जाए, है ना, महेशानंद गिरी जी कहते हैं और ये व्यक्ति सोया है, अरे भाई तुम सोए थे तो चोर को तो कुछ तो आवाज़ करते, कुछ रोकते उसे, महाराज मैं गाढ़ सुषुप्ति में था मुझे पता ही नहीं लगा, है ना। तो सब अभिमान लीन हो जाते हैं, किंतु इतने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो भाई वहाँ तो तुम फिर ब्रह्म के साथ एक हो, तो फिर जब तुम उठो तो तुमको तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाना चाहिए। बोले नहीं, इतने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो फिर हमको तो ब्रह्म ज्ञानी बनना है ना। तब महर्षि कह रहे हैं कि जब तक श्रवण मनन निध्यासन नहीं किया जाता ज्ञान नहीं होता है। तो ये हो गई आगे की कक्षा, यानी भक्ति के बाद की कक्षा जो है वो है श्रवण मनन निध्यासन, यानी तत्त्वमसि महावाक्य किस चीज़ की एक बता रहा है, तत् क्या है, तुम क्या है, असि यानी इन दोनों की एकता क्या है, वो सब श्रवण में है ना। इस 7 से 8 सुबह और शाम को 5:45 से 6:45, और फिर उससे भी ज़्यादा देखना हो है ना तो 8 से 9:45। तो यहाँ पर सब ये श्रवण मनन निध्यासन वाली क्लास यहाँ चल रही है। श्रवण मुख्य रूप से श्रवण कहना चाहिए, क्योंकि मनन निध्यासन तो हमको स्वयं को करना पड़ेगा। तो वो जब तक नहीं किया जाता ज्ञान नहीं होता है। अतएव परमात्मा को देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अभिज्ञान चाहिए। तो अब यहाँ इस श्लोक में ये बात महर्षि बता रहे हैं कि हमको समझो कि परमात्मा का दर्शन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जिज्ञासा और समाधान में एक पुस्तक है महर्षि की, सूरत में प्रश्नोत्तर हुए थे तो वहाँ पर एक प्रश्न किया गया है, 19 नवंबर 1987 में महर्षि की महासमाधि यानी शरीर पूरा हुआ, तो 1984 जनवरी से ही महर्षि ने प्रवचन बंद कर दिए। तो प्रवचन बंद कर दिए तो प्रश्नोत्तर करते थे, प्रवचन बंद कर दिए पर प्रश्नोत्तर होते थे, तो प्रश्नों के जवाब दिए जाते थे। तो सूरत में शायद 85 या 86 में सूरत में एक प्रश्न किया गया, प्रश्न लिख लिए लोग लिख के दे देते थे, फिर विमलानंद जी या जो भी है वो एक एक करके प्रश्न पढ़ता था और महर्षि उत्तर दे। तो सत्संग का स्वरूप फिर प्रवचन रूप में नहीं था, है ना, महर्षि ने जनवरी 1984 से प्रवचन बंद कर दिया पर सत्संग चलता रहा। तो प्रश्न ये था कि परम पूज्य महाराज श्री आप कृपा करके बताएं कि ईश्वर के दर्शन होने के समय ही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, या
उसके बाद में होता है। फिर से मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, प्रश्न था कि महाराज श्री आप कृपा करके ये बताएं कि ईश्वर के दर्शन से ही उसी समय ब्रह्म ज्ञान हो जाता है या दर्शन के कुछ काल के बाद होता है। परम पूज्य महाराज श्री का उत्तर बहुत ज़बरदस्त था, बोले ब्रह्म ज्ञान जो है वो न तो ईश्वर के दर्शन के समय होता है और न ईश्वर के दर्शन के बाद होता है। तो फिर प्रश्न उठा कि फिर कैसे होता है, तो फिर उत्तर दिया कि जो तत्व साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको है, ब्रह्म की जिज्ञासा जिसको है, वो जब जिज्ञासा करेगा तब गुरु उसकी जो जिज्ञासा का समाधान करेंगे तब ब्रह्म ज्ञान होता है। यानी ईश्वर के दर्शन से ब्रह्म ज्ञान का एक दृष्टि से संबंध है, एक दृष्टि से नहीं है। किस दृष्टि से संबंध है? महर्षि ने बताया कि देख लेने मात्र से परिचय नहीं होता, परिचय होता है सेवा से। ये परिचय होना क्या है? परिचय होना ब्रह्म ज्ञान। तो देख लेने मात्र से हमको ईश्वर का दर्शन हो गया, उसके मात्र से परिचय नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परिचय होता है सेवा से। तो यानी ब्रह्म ज्ञान तो होगा पर उसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, वो है सेवा, भक्ति। अब आगे देखिएगा कि परमात्मा को देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अभिज्ञान चाहिए। तो परमात्मा का हमको दर्शन हो गया, अब और क्या चाहिए? बोले कि महाराज जी का स्पष्ट वाक्य है, देखना ही पर्याप्त नहीं है। बिहारी जी ने, आप कल्पना करो कि बिहारी जी के दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंदिर में जाके दर्शन करते हो तो सभी लोग करते हैं। बिहारी जी ने आपको, आप अपने ध्यान में बैठे थे और बिहारी जी प्रकट हो गए वहाँ, है ना, आपको दर्शन हो गया। महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा को देखना ही पर्याप्त नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाराज जी बोल रहे हैं। बोले महाराज हमको तो लगा कि इतना काफ़ी है, कहाँ सबको दर्शन देते हैं बिहारी जी, हमको तो आए वहाँ दर्शन दे दिए। महाराज जी कह रहे हैं उसका अभिज्ञान चाहिए, यानी अब जब उन्होंने दर्शन दे दिए तो आगे की क्या है, आगे की जो श्रेणी है वो अब महाराज जी कहने जा रहे हैं। श्रेणियों को ध्यान से सुनिएगा। भक्त्या माम अभी जाना थी, भक्त भक्ति से भगवान को जानता है, ये बात तो हो गई। पर भगवान के दर्शन की भी कई श्रेणियां हैं। ये पृष्ठ हमको इसलिए बहुत ही उपयोगी लगा कि जब हमने भक्ति योग में ये पढ़ा महाराज श्री का, तो हमको लगा कि ये बात हमको पता होनी चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत सारे लोग भ्रांति में रहते हैं। भगवान का दर्शन हो गया यानी सब कुछ हो गया। स्पष्ट कह रहे हैं महाराज श्री कि परमात्मा को देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अभिज्ञान चाहिए। अभिज्ञान जो है वो है छठी श्रेणी। यहाँ छठी श्रेणी का मतलब PhD, अब इसके बाद आगे कुछ नहीं, डीलिट भी कह दो, क्योंकि PhD के बाद लोग डीलिट करते हैं, तो जो भी यानी करना है वो आखिरी, वो है छठी श्रेणी। तो छठी श्रेणी में हम कहेंगे कि इसको अभिज्ञान हो गया, जैसे महाराज जी के लिए, साईं के लिए, बुढ़िया बाबा के लिए, है ना, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जितने महापुरुष हुए हैं, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, ये सब अभिज्ञान था इनको, जड़ भरत, इनको अभिज्ञान था, है ना, नव योगेश्वर, सनत कुमार, ये सब जितने महापुरुष हुए हैं सबको अभिज्ञान था। तो अभिज्ञान क्या है? तो अभिज्ञान की जो साधना है वो तो महाराज कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभी जानाती, भक्त भक्ति से भगवान को जानता है। और ये भक्ति का जो स्वरूप है वो देखना, आप कैसे भगवान के दर्शन की भी कई श्रेणियां हैं। नंबर एक, भगवान का दर्शन हो गया, झांकी हुई, है ना, दर्शन में हम ध्यान में बैठे थे और अचानक भगवान प्रकट हो गए, झांकी हुई, प्रकट हुए और वो चले गए। तो ये कह रहा है, मतलब महर्षि कह रहे हैं किंतु कोई बात नहीं हुई, आए तो सही, बिहारी जी ने दर्शन तो दिया पर बात नहीं हुई, तो इसका अभी थोड़ा अफसोस है। तो चलो दूसरी बार आए बिहारी जी, भगवान के दर्शन हुए, दूसरी श्रेणी, बात भी हुई, है ना, पहला कहा ना झांकी हुई, बात नहीं हुई, अब यहाँ बात भी हो गई, पर अब इसको फिर भी अफसोस रहता है क्योंकि बात की उन्होंने, क्यों भाई कैसे हो, है ना अशोक, बोले बहुत आनंद है, आपकी कृपा है ना,
आपने वृंदावन वास दे दिया, इतना कह के चले गए। तो बोल रहे किंतु उन्होंने वरदान मांगने को नहीं कहा। अब दर्शन भी हो गया, बात भी हो गई। अब अशोक को लग रहा है कि कुछ कहते कि भाई वरदान मांगो अशोक, हम आ गए हैं, ये तो हुआ ही नहीं, है ना। जहाँ भी भक्तों को देते हैं दर्शन कहते हैं वरदान मांगो, है ना, तो ये बात नहीं बनी। तो चलो तीसरी श्रेणी में आ जाओ। तीसरी बार आ गए ठाकुर जी, उन्होंने वरदान मांगने को कहा। अब महाराज रिपीट नहीं कर रहे, मतलब दर्शन भी हो गया यानी कि झांकी हो गई, बात भी हो गई और वरदान मांगने को कहा, वरदान दे भी दिया। उनके लिए देने में क्या है, कुछ नहीं है, तो वरदान भी दिया। किंतु ये नहीं कहा कि तुम मेरे हो, यानी हमने क्या वरदान मांगा, बस शांति हो जाए, है ना। बहुत आजकल बहुत विक्षेप है, वरदान दे दिया, चलो अब शांति रहेगी तुम्हारे। पर फिर ध्यान में आया कि अरे हमने ये तो मांग लिया शांति, पर ये कह देते ना कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो का मतलब अब तो हमेशा के लिए शांति हो गई। अब क्या है कि उस वक्त जो अशांति थी वो शांति खत्म हो गई, फिर दूसरा कोई इशू आ गया। अब इशू आ गया तो उसे और ज़्यादा अशांति हो गई। तब तो ध्यान में आया कि वो कह देते कि तुम मेरे हो, है ना, तो ये कह देते, अथवा हम ही ये मांग लेते हैं कि भाई आप ये कहो कि तुम मेरे हो। अब देखिए चौथी श्रेणी में वो बात भी बन गई, झांकी भी हुई, बात भी हुई, वरदान मांगने को भी कहा और वरदान में ये बात भी हो गई, क्या अपना भी स्वीकार कर लिया कि अशोक तुम हमारे हो। चार श्रेणी हो गई, तो लगता है व्यक्ति को अब तो काम बन गया। पर अब देखिए जब हम लोग सत्संग करेंगे तब पता लगेगा कि अभी भी कमी है। क्यों, किंतु ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, ये तो कह दिया तुम मेरे हो, पर मैं तुम्हारा हूँ ये तो भगवान बहुत बहुत मुश्किल से कहेंगे, क्योंकि फिर तो भक्त नचाएगा ना। तो भगवान ये कहें कि मैं तुम्हारा हूँ, किसको कहेंगे, भगवान को पूरा विश्वास है कि हमको नचाएगा नहीं, समझ गए ना। केवल किशन आए थे कलकत्ता, सेठी जी को बहुत लोग जानते हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ। तो कलकत्ता जब उनका जिस कार्य के लिए आए थे हो गया और जा रहे थे वापस दिल्ली, महर्षि कलकत्ता में थे, तो महर्षि ने कहा कि देखो केवल किशन, तारीख बताई महर्षि ने, इस तारीख को हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और बियानी जी करके महर्षि के शिष्य हैं उनके घर में रुकेंगे एक रात के लिए, तो कुछ नाम महर्षि ने कहे उन लोगों को तुम खबर करके ये बात बता देना। तो नाम में जिन मतलब वहाँ के सदग्रस्तों के दिल्ली में जिनके नाम लिए, तो केवल किशन भी मतलब वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो उन्होंने विचार किया कि महर्षि एक नाम लेना शायद भूल गए, तो उन्होंने अपनी ओर से कहा कि महर्षि वो उनका नाम लिया, चोपड़ा जी को भी मैं बता दूँ। महर्षि बोले कि नहीं, उनको नहीं बताना, तुमको मालूम नहीं है कि वो कितने सकाम हैं, यानी वो कितने हमारे से कामना रखते हैं कि भाई हमारा ये भी हो जाए, महर्षि कृपा से ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। ये सब व्याख्या नहीं की, बस एक ही वाक्य बोले कि वो कितने सकाम हैं तुमको नहीं पता, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। भगवान कब कहेंगे कि हम तुम्हारे हैं, है ना, जब उनको पता लगेगा कि ये सकाम भक्त नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ ये नहीं कहा, अभी अफसोस है। चार श्रेणी हो चुकी है ना, भगवान ने कह दिया कि तुम मेरे हो, वरदान भी दिया, बात भी की, झांकी भी हुई, सब हो गया, चार श्रेणी पूरी हो गई। अब ये अफसोस हो रहा है कि खास वो ये कह देते कि मैं तुम्हारा हूँ। अब कल्पना करो कि हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि अब महर्षि को कोई संकोच नहीं। चोपड़ा जी, हाँ चोपड़ा जी को भी बता देना, है ना, क्यों, क्योंकि चोपड़ा जी का महर्षि को मालूम है सकाम भक्त नहीं है। तो अभी तो चूँकि सकाम भक्त है इसलिए मना किया कि नहीं उनको नहीं बताना है, और अब कल्पना करो वही चोपड़ा जो है वो निष्काम हो जाए, तो अब वो पाँचवीं श्रेणी में आ गया कि नहीं। तो भक्त को अपना स्वीकार किया प्रभु ने और अपने को भक्त का भी कह दिया। पांच श्रेणी में पहली वाली सब आ गई, मतलब झांकी भी हुई, बात भी हुई, वरदान भी देने का, वरदान में तुम मेरे हो कह दिया, अब मैं तुम्हारा हूँ ये भी कह दिया, हो गया ना पूरा। अब तो कुछ नहीं बचा, भक्त को अपना स्वीकार किया एक, और अपने को भक्त का भी कह दिया दो,
है ना, दोनों परस्पर। पर अब पांचवी होने के बाद में, क्योंकि वो सब सत्संग में महाराज से तो वेदांत भी सुनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि भक्ति को भी सुनाएंगे, तो वेदांत का भी हम लोगों ने सुन रखा है। तब ध्यान में आया कि ये तो कहा ही नहीं कि हम तुम दोनों अभिन्न हैं, हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, हम तुम दोनों एक हैं। अरे बोली ये तो अभी बात बच गई, ये अभिज्ञान जो है ना, अभिज्ञान जो मैंने कहा सभी बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेके, उन सबको अभिज्ञान था, यानी ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है कि हम और तुम अभिन्न हैं, ये अभी पांचवी श्रेणी में ये बात नहीं हुई। तो ये कब होगी, भगवान ने भक्त को अपने से अभिन्न कर लिया, ये होगा छठी श्रेणी में। इसी अवस्था को वेदांत में आवरण भंग कहते हैं। बोले महाराज श्री स्वामी जी वेदांत की बात आप मत किया करो, चलो वेदांत की बात नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान के दर्शन की श्रेणियां हैं ना, तो भगवान के दर्शन की श्रेणियों में भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारे में और हमारे में दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या करते हैं राजा लोग, कुछ ऐसा पावर दे देते हैं अपने महामंत्री को कि वो राजा के नाम से सिग्नेचर कर सकता है, यानी राजा को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पावर। ऐसे भगवान जो है अपने भक्त को पूरा पावर, नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने कहा है तस्मिन तज्जने भेदा भावात्, यानी भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं है, भेद अभावात, भेदा भावात, भेद है ही नहीं, ये छठी श्रेणी। तो आवरण भंग छोड़ दीजिए, है ना, नारद भक्ति दर्शन देखिए, तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं है। ये कब हुआ, जब भगवान ने भक्त को अपने से अभिन्न कर लिया, छठी श्रेणी पूरी हो गई। उसी के महर्षि जो शास्त्रों में नाम है उसको हमको बता रहे हैं कि इसी को वेदांत में आवरण भंग कहते हैं। अविद्या निवृत्त आवरण भंग हो जाने पर ज्ञानी में यावत जीवन बनी रहने वाली ब्रह्ममयी वृत्ति का नाम भक्ति है। ये जो वाक्य मैं पढ़ा अभी अभी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि जब अभिन्न हो गए तो अब वो जो भक्त है उसमें यावत जीवन, यानी जब तक उसका जीवन रहेगा इस धराधाम में, तब तक उसकी जो है वृत्ति, वृत्ति यानी हमेशा ठाकुर बिहारी जी, उसको बिहारी जी की दीवार अन्यत्र, बिहारी जी के अतिरिक्त अन्य कोई चिंतन है ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, यानी सब कोई भी क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब उसकी वृत्ति और कहीं जाती हो। हमको संसार दिख रहा है, उसके लिए वो संसार भी भगवत स्वरूप है, ध्यान देना। हमारे लिए संसार में और परमार्थ में भेद है, पर उनके लिए अब नहीं है। फिर से पंक्ति पढ़ता हूँ, अविद्या निवृत्ति यानी आवरण भंग हो जाने पर ज्ञानी में, ज्ञानी में यानी ज्ञानी भक्त में यावत जीवन बनी रहने वाली, जब तक वो रहेगा है ना जीवित, तब तक ब्रह्ममयी वृत्ति का नाम भक्ति है। अब इन ज्ञानी भक्तों की जो भक्ति का स्वरूप है वो अलग है, हम लोग जो साधक हैं हमारी भक्ति का स्वरूप अलग है, क्यों, क्योंकि इनका आवरण भंग हो चुका है, ये छठी श्रेणी में पहुँच कर और जो कुछ प्राप्त करना था जीवन में वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। यहीं पर महर्षि पूरा कर रहे हैं, 12वें अध्याय में जो भक्ति योग का प्रारंभ हुआ उसकी परिसमाप्ति इस प्रकार गीता के 18वें अध्याय में यहाँ आकर हुई है। भक्ति योग तो वहाँ 12वें अध्याय में प्रारंभ किया, उसके बाद 13वां 14वां 15वां स्वामी जी वहाँ क्या समझाया, 13 14 15 में क्या समझाया, वही अभिज्ञान है ना, ये अभिन्नता अभेद कैसे होगा, वो सब 13 14 15 का विषय है। तो 16 17 में थोड़ी और कुछ बातें बताकर 18वें में इस श्लोक में 55 में भगवान ने कह दिया, क्या कहा कि बस उसकी ब्रह्ममयी वृत्ति हमेशा, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि वो उस अपने जो दृष्टि है उसकी उससे च्युत होता हो, एक क्षण के लिए भी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।